सरकार, जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है? हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं कांग्रेसी नेता सजाद जी। सजाद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ सक्षम न्यूज इंडिया में जुड़ने के लिए। जी जी, स्वागत। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरा हो चुका है, तो आपको क्या लगता है इन एक सालों में मोदी सरकार कितनी फेल हुई और कितनी पास हुई है? देखिये, मैं तो समझता हूँ कि ये जो इनके पांच के पांच साल पिछले और ये वाला एक साल जो है जी, ये निराशा से भरा एक साल रहा है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि छह के छह साल निराशा से भरे रहे हैं। जो इन्होंने वादे किए थे, जो इन्होंने लोगों को एक आशा दिखाई थी, एक उम्मीद दिखाई थी, ये सब लोग इसमें फेल हो गए। और आज इस पूरे इस साल में देखिए आप, आपकी इकोनॉमी कहाँ पहुंच के आके ठहर चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ चुका है, आपका इन्फ्लेशन कितना हाई हो चुका है, हर तरह से ये लोग टैकल करने में नाकाम हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल निराशाजनक पूरा साल रहा है। और बल्कि ये पिछले पांच साल भी मिला के लोग उम्मीद में थे, लोगों ने वोट किया था कि एक नए दिन अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो नसीब में नहीं हुए, लेकिन हर दिन बद से बदतर ही हो रहा है। कोरोना संकट जैसी महामारी ने कितनी खरी उतरी है मोदी सरकार जनता के लिए? देखें, सब आपके सामने है, मीडिया मेरे ख्याल में बेस्ट जज है। आपने देखा कि ये जो जब से कोरोना वायरस का ये कहर पैंडेमिक शुरू हुआ, ठीक है गवर्नमेंट ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स लेने से पहले उनको एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो लगाना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा है। लेबरर्स का जो कहर बरपा हुआ, उन लोगों पे जो मुसीबतें हुई, कहीं ना कहीं वहां पे एक विंडो इनके लिए क्रिएट करना चाहिए था, ताकि इनको ये सारा लॉकडाउन शुरू करने से पहले इनको अपने अपने घरों में पहुंचाया जाए, उसके बाद लॉकडाउन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके फिर ये सारे के सारे जो डिजायर रिजल्ट थे वो अचीव होते। लेकिन आपने देखा, आपका लॉकडाउन भी हुआ, लॉकडाउन होने के बाद भी जो मतलब डिजायर रिजल्ट थे वो हम अचीव ही नहीं कर पाए। महामारी जो लेबरर्स की, जो लाखों लोग जो परेशान, हजारों किलोमीटर पैदल, उनके पाओ के अंदर छाले, उनकी मुसीबतें, उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं, उनके पास खाने और उनके शेल्टर का कोई साधन नहीं, इस महामारी को जानबूझ के अगर इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन अगर ये लोगों ने वक्त पे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए होते, इनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया होता, तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। आज देखिए आप कितने, किस तरह 2 लाख के तेरे करीब तो कोविड पॉजिटिव के आंकड़े आ चुके हैं, और हमें डर है कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में जिस तरह से इस वक्त अमेरिका में जो डिजास्टर, जो कहर मचा हुआ है, हमें तो डर है। हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे कि हम कहीं उस आंकड़ों में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क में भी हमको वो देखने को मिले। आप देखिए, पहला 1 लाख का आंकड़ा हमारा 2 महीने में पूरा हुआ, और दूसरे 1 लाख का आंकड़ा हमारा सिर्फ चंद दिनों के अंदर बराबर हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में और ज्यादा हमको ये चीज बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। तो इसलिए अगर कुछ वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए होते, साथ में प्लान भी किया होता। आप लिक्वर शॉपें खोल रहे हो, आप शराब की दुकानें खोल रहे हो, आप लोगों को सब्जी लाने नहीं दे रहे हो, हजारों लाखों लोग सड़कों पे जाके शराब की दुकानों पे भीड़ लगाए बैठे हैं, आप एक तरफ से लॉकडाउन लगाते हैं, दूसरी तरफ से आप शराब की दुकानें खोल के भीड़ पैदा करते हो, तो क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसी है, क्या सोच, क्या क्या मतलब किस तरह की हैंडलिंग है ये? मैं समझता हूँ इन लोगों ने अगर सही तरीके से एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक लगाया होता, तो शायद हम लोग आज इस स्थिति में नहीं होते जिसमें आज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।